initiative by Ismail Foundation and JLM Fashion House. I mean, it's an initiative for the girls' choice empowerment. What are your thoughts on it? Well, I'm here for the Smile Foundation, and this is a charity event, and this is I think amazing. It's organized by JLM and Narayan Jewelers, and this is a charity event. So whatever sales they do today, the jeweler or the clothes, whatever sales they're gonna do, there's some percentage which is gonna go to the charity. So I think it's going on girls' education. I think this is an amazing cause, and I'm definitely gonna support it. And this is second time. This is my second time with Smile Foundation, and I always love to be there on the events because I myself support them. And this is an amazing cause, and of course we are here to support them. तो बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा. तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन सा ऐसा इशू लगता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अगर आपको अपने हिसाब से करना हो, जब भी आपके पास टाइम हो, यू नो, अकॉर्डिंग टू योर. सी, आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज. आई थिंक आपको डजंट मैटर आप किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, डजंट मैटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हो. अगर आप एक छोटा स्टेप भी लेते हो, दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर यू. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज एंड सी कि अच्छा आप कहाँ पर जा सकते हैं कहाँ. और वेन इट कम्स टू स्पेशली फाउंडेशंस, सो आई डोंट थिंक सो आपको उनको लिस्ट में डालना चाहिए कि ओके दिस इज़ द नंबर वन, दिस इज़ द सेकेंड वन, आई एम गोना गो टू नंबर वन और आई एम गोना गो टू सेकेंड वन. सो आई थिंक आपसे जितना हो सकता आप करिए, डजेंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, दैट्स ऑल्सो बिग थिंग फॉर देम एंड फॉर द एजुकेशन. और यू नो लाइक मी माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई हैव माई ओन चैरिटी, आई हैव माई ओन थिंग. लाइक वेन एवर आई फील और वेन आई हैव ए टाइम, मैं वहाँ पे लड़कियों की स्टडीज़ के लिए उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ. एंड ऑल्सो ऑल द पुअर फैमिलीज़ जो हमारे गांव में रहती हैं, पुअर फैमिलीज़, यू नो लाइक दे स्टिल दिस ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज़ डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. एंड आई गो पर्सनली टू देम एंड यू नो आई एम वेरी आई थिंक बिग इन गिविंग लेक्चर्स, आई एम रियली सॉरी. सो आई जस्ट ट्राई टू टॉक टू देम एंड ट्राई टू कन्विंस देम व्हाट ऑल दे कैन डू. अभी हमने पंजाब में एक सिलाई सेंटर खोला है जो गरीब लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ, जो ऑब्वियसली सो जो उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के लिए उनको पेमेंट पे नहीं दे सकते हैं. सो हमने एक सिलाई सेंटर खोला है. इसके अलावा वी हैव ए फाउंडेशन जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी वी आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर द गर्ल चाइल्ड. सो वट एवर देयर पेरेंट्स आर अर्निंग, लाइक मे बी अ मंथली और वीकली, वट एवर हाउ मच दे कैन डिपॉजिट इन देयर अकाउंट, दे शुड डू इट, लाइक मे बी 500 bucks और 1000 bucks और वट एवर यू वॉन्ट डू इट, यू जस्ट डू इट. जब लड़की 18 साल की होती है, वही पैसा उनकी एजुकेशन में जाएगा और शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, उसके मैरिज में खर्चा किया जाएगा और शी वॉन्ट्स टू डू द एजुकेशन, शी वॉन्ट्स डू एनी थिंग, दैट मनी इज़ लाइक हर मनी. सो आई थिंक डजेंट, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो यू शुड चूज इट. जितना आपसे हो सकता आप कीजिए एंड जस्ट बी सपोर्टिव. आई फील वेल, आई वोंट टॉक मच ऑन माई प्रोफेशनल थिंग्स हियर बिकॉज टुडे आई एम हियर फॉर द चाइल्ड foundation, and I would like to talk only about the child foundation. Coming back to work, yes, I have few projects lined up, so I will discuss on, I think maybe next interview, not here.